Hello students, how are you? Today we are going to learn cursive writing. और cursive writing हम जिस method से सीखेंगे वो है easy to tough method. For example, पहले हम easy alphabets सीखेंगे और फिर उनसे related tough alphabets सीखेंगे. लेकिन उससे भी पहले हम कुछ strokes ऐसे सीखेंगे जो कि cursive writing में हर alphabet को लिखने के लिए use होते हैं. तो आइए देखिए मेरे साथ. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कर्सिव राइटिंग को स्टार्ट कहां से करते हैं. कर्सिव राइटिंग को इंग्लिश अल्फाबेट कॉपी के थर्ड लाइन से स्टार्ट किया जाता है और थर्ड लाइन में जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है ये स्ट्रोक फर्स्ट स्ट्रोक हम लिखते हैं. इसको कैसे लिखा जाता है? इस तरह से अपवर्ड, लाइक दिस. अपवर्ड स्ट्रोक बनाने के बाद इसको हम वापस लाके सबसे पहला जो लेटर लिखते हैं दैट इज सी. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं. तो आइए एक बार फिर से देखते हैं कि सी कैसे लिखते हैं. थर्ड लाइन से हमने स्टार्ट किया, वी वेंट टू अपवर्ड एंड देन वी केम अगेन हेयर एंड सी लाइक दिस. सी हेयर अगेन, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लाइक दिस. तो ये जो हमारा स्ट्रोक है ये फर्स्ट स्ट्रोक है ऊपर की तरफ, फिर आपको वापस यहां से मुड़कर नीचे आना है. ओके, तो इस तरह से आपका सी बनेगा. दोबारा देखिए, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड सी. तो इस तरह से आपको सी बनाना है, अपवर्ड, डाउनवर्ड. तो आप जब इसकी अपने प्रैक्टिस बुक में प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार ट्रेस करेंगे, तो आपको इजीली कर्सिव राइटिंग में सी बनाना आ जाएगा. अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट सीखेंगे जो कि सी से रिलेटेड है. सी का स्ट्रोक उसमें हम यूज करके नेक्स्ट अल्फाबेट बनाएंगे. सी हेयर. आपने अभी तक सीखा अपवर्ड, डाउनवर्ड, सी. नाउ इस सी को कंटिन्यू करते हुए हम ऊपर जाएंगे और वापस आके इस तरह से करेंगे तो हमारे पास कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा? ए अल्फाबेट. दोबारा से देखिए इसे. आपने ये स्ट्रोक बनाया सबसे पहले, फिर इस स्ट्रोक से आपने सी बनाया, फिर इस सी को आप वापस लाए और आपने ऊपर तक टच करके इसको ए बना दिया. तो पहले आपने ये बनाया, फिर आपने इससे ए बना दिया. तो इस तरह से ये थ्री स्टेप्स इसमें इंक्लूड होते हैं. अब आप दोबारा देखिए ए कैसे बनाएंगे आप. अपवर्ड, डाउनवर्ड, अगेन अपवर्ड एंड लाइक दिस. दिस इज ए. अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड देन अगेन अपवर्ड. दिस इज ए. तो इस तरह से आप इजीली कर्सिव ए बना सकते हैं. अब हम कर्सिव ए को यूटिलाइज करते हुए नेक्स्ट अल्फाबेट बनाएंगे जिसमें कि इन दोनों स्ट्रोक्स का हम इस्तेमाल करेंगे. आइए देखिए कैसे बनाते हैं. अपवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ए. इस ए को यहां ज्वाइन करने के बाद पूरा ऊपर तक रेड लाइन तक टच करके आपको वापस आना है और फिर ये डी बन जाएगा इस प्रकार से. दोबारा देखिए कैसे. अपवर्ड, डाउनवर्ड, टच देयर एंड डाउनवर्ड अगेन, डी. इस तरह से आप डी बना देंगे. इसमें ये तीनों स्टेप्स के बाद आपको स्टिक को अप ले जाना है. सी बनाने के बाद स्टिक को रेड लाइन को टच करना है. सी हेयर अगेन, दिस इज डी. दिस इज. तो स्टूडेंट्स, अब आप कर्सिव राइटिंग स्मॉल लेटर बुक में सी
आसानी से ट्रेस कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप ए आसानी से ट्रेस करके उसको लिख सकते हैं और फिर आप डी भी आसानी से ट्रेस करके उसको लिख सकते हैं, क्योंकि इन तीनों लेटर्स की फॉर्मेशन आपने यहाँ पर सीख ली है। तो इससे अगली क्लास में हम इसके आगे के लेटर सीखेंगे। थैंक यू सो मच।